उधर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर राजधानी लखनऊ के सपा दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा तर्क कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, सीएम अखिलेश यादव ने उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम अखिलेश ने चंद्रशेखर सिंह को याद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी गरीबों और किसानों के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। सीएम ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि अपने काम के बूते सपा सरकार ने नौजवानों में भरोसा पैदा किया और जनता की ताकत फिर से यूपी में सरकार लाएगी। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सब लोगों की तरफ से भी आज चंद्रशेखर जी को हम भी याद करते हैं। जहां तक सवाल चंद्रशेखर जी का है, वो सेल्फ मेड नेता बने, उन्होंने संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके, और कोई यही नहीं केवल प्रदेश के बल्कि देश के नेता बने। मैं आज के दिन उन्हें याद करता हूं अपनी तरफ से और पूरे पार्टी के लोगों की तरफ से। मैं बधाई देना चाहता हूं जसवंत सिंह जी को और उनके साथियों को, अरविंद सिंह गोपी को और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। न केवल हम आज लखनऊ में बैठे उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में इसी तरह का कार्यक्रम भी हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है कि हम लोगों ने कुछ न कुछ लोगों के बीच में अच्छे अच्छे दिन लाने का काम किया। मान लीजिए जिन्हें समाजवादी पेंशन मिल रही होगी, जिन्हें 108 102 से मदद पहुंची होगी, किसान दुर्घटना बीमा से मदद पहुंची होगी, लैपटॉप मिल गया होगा, नौकरियां भी मिल गई कुछ लोगों को, आज इतनी आसान भर्ती कर दी। कम से कम सरकार ने भरोसा लोगों के बीच में और नौजवानों के बीच में पैदा किया है कि कहीं सिफारिश से कोई बात नहीं आएगी। सारे फैसले लिए सरकार ने, लेकिन सरकार तो आपकी ताकत से ही बनेगी। और जहां तक दूसरे दल है, अभी तो बहुत सारे पार्टी के हमारे कार्यक्रम होने, उसमें अपनी बात रखेंगे। यूपी सरकार ने नौजवानों के बीच भरोसा पैदा किया अखिलेश यादव की तरफ से और कहा कि जनता की ताकत से सपा सरकार बनेगी। दरअसल मौका था चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि का, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव श्रद्धांजलि देते हुए